आज हम बना रहे हैं सूजी पिज्जा होम स्टाइल, और हम लेंगे एक कप सूजी, हाफ कप दही, फेटी हुई दही लेनी है, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 कप ऑफ पानी। हमें इसका एक बैटर बनाना है, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कीजिए, अच्छे से फेटना है हमें, कम से कम हम 3 से 4 मिनट तक फेटेंगे इसे। पिज्जा बेस के लिए हमने सूजी, दही और पानी, नमक को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसे हम 20 मिनट तक रेस्ट देते हैं, और तब तक हम बना लेंगे पिज्जा के लिए सॉस और उसका वेजिटेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। पिज्जा के बैटर के बाद हम बनाएंगे पिज्जा के लिए सॉस। ले रहा हूँ मैं नॉन स्टिक कढ़ाई, कढ़ाई गर्म हो गया है। अब हम ले रहे हैं तेल, और 2 चम्मच तेल लिया हमने चॉप किया हुआ लहसुन। सौते करते हैं। यह जो सॉस मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ, इंस्टेंट सॉस है, फटाफट बनने वाला, और आप इसको बना के अपने फ्रिज में रख सकते हैं। लहसुन हो गया, अब हम डालते हैं चॉप ऑनियन, 2 ऑनियन का इस्तेमाल किया है, और इसे भून लेते हैं। डालते हैं 4 लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च तोड़ते हैं, इसे भी साथ में भूनेंगे। अब हम मिला रहे हैं 1 गाजर छोटा कटा हुआ। अब हम लगा देंगे ढक्कन ताकि हमारा गाजर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। अब हम डालेंगे 4 ब्लांच किया हुआ टमाटर, और इसे भी चला लेते हैं साथ में। गाजर पक गया है। 8 ऑलिव्स काट के, 4 काले हैं और 4 ग्रीन, चला लेते हैं। 1 कटा हुआ एलेपिनो फ्रेश है, अगर आपके पास कैन है तो कैन भी डाल सकते हैं, अगर फ्रेश मिल जाए तो फ्रेश डालिए। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, स्वाद अनुसार नमक, और भून लेते हैं। और 1 चम्मच ऑरेगिनो, अच्छे से भूनना है साथ में। अब हम मिलाएंगे 2 चम्मच टोमेटो केचप, और भून लेते हैं। 1 चम्मच विनेगर भी डालते हैं, थोड़ा सा हल्का पानी, लगाते हैं ढक्कन और 2 मिनट तक पकाते हैं। 2 मिनट का समय हो गया है और हमारा सॉस बनके तैयार है। इसे हम ठंडा करेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हम लेते हैं एक पैन, और अब हमें सौते करना है वेजिटेबल टॉपिंग जो हम पिज्ज़ा के ऊपर डालेंगे। मैं ले रहा हूँ ऑलिव ऑयल, 3 to 4 टेबल स्पून है, 1 चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन, सौते करते हैं। और हम ले रहे हैं 1 अनियन स्लाइस करके, सौते करेंगे, हाई हीट पे सौते करना है। अब हम डालेंगे बेल पेपर्स, और इसे भी साथ में सौते करेंगे। अब डालते हैं कुछ कॉर्न्स, सौते कर लीजिए। अब हम डाल देंगे मशरूम्स, डालते हैं स्वाद अनुसार नमक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च क्रश, ऑरेगानो, और सौते कर। पिज्जा की टॉपिंग्स पर्सनल चॉइस भी होती है, अगर आपको ब्रोकोली डालनी है तो आप ब्रोकोली डाल सकते हैं, एस्परेगस डाल सकते हैं, चुकनी डाल सकते हैं। पिज्जा की टॉपिंग्स के लिए हमने वेजिटेबल्स अच्छे से सौते कर लिए हैं। अब हम इसे निकाल देंगे एक प्लेट पे, फैला लीजिए ताकि इसकी गर्माहट निकल जाए बाहर, ताकि गर्मी बाहर निकल जाए। पिज्जा बेस देख लेते हैं। अब हम मिलाएंगे इनो, फ्रूट सॉल्ट है और 1/2 चम्मच है, 1 शीशे के बराबर, और हमें अच्छे से फेंट लेना है। हमें हल्का सा थोड़ा सा पानी डालना है यहाँ पे, और मिक्स कर लेते हैं। आइए बनाते हैं पिज्जा बेस। बेस के लिए ले रहे हैं हम एक पैन, और इसे प्री हीट करेंगे अच्छे से। पैन हमारा प्री हीट हो गया है। अब हम डालते हैं 1 चम्मच ऑलिव ऑयल, और अच्छे से हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। गैस के फ्लेम को थोड़ा हम स्लो कर देते हैं। अब हम सबसे पहले सेंटर में डालेंगे, और हल्के हाथों से उसे फैलाएंगे भी, सब तरफ से बराबर स्प्रेड कीजिएगा, और पकने देते हैं। अभी हमें गैस के फ्लेम को स्लो ही रखना है, और हम ढक्कन लगा देंगे और पकने देते हैं। आइए ढक्कन हटाते हैं, और ये देखिए ऊपर से ड्राई हो गया है। गैस के फ्लेम को थोड़ा सा बंद कर देंगे अभी हम आराम से। गैस के फ्लेम को बंद कर देने से ये फ़ायदा तो होगा कि आपका बेस नीचे से अपने आप छोड़ेगा, फ्लिप कर देते हैं, पलट देते हैं, ये देखिए। अब हल्का सा ऑलिव ऑयल किनारे किनारे आप डाल दीजिए, चीज़ स्प्रेड करेंगे, चीज़ सॉस को स्प्रेड करते हैं।
हम स्प्रेड करेंगे पिज्जा सॉस जो अभी हमने बना के दिखाया आपको। मोजरेला चीज डालेंगे। अब हम डालेंगे सब्जियां जिसे हमने सौते किया था। अब वापस से हम ऊपर से डालेंगे मोजरेला चीज। अब हम डालेंगे कुछ बटर। अब हम ढक्कन लगाएंगे और पकने देते हैं, और इसे हमें 7 से 8 मिनट तक पकाना है। हमारा पिज्ज़ा बनके तैयार है। आइए ढक्कन हटाते हैं, गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिए, और अब हल्के हाथों से हमें वापस से खरोचते हुए पूरी तरह से निकाल दीजिए। चलिए, और सूजी का पिज्ज़ा होम स्टाइल हम सर्व करेंगे टोमेटो केचप के साथ। एक ब्रेड नाइफ ले लीजिए और अच्छे से, और पिज्ज़ा स्लाइस तैयार है खाने के लिए। और ऊपर से हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑरेगानो, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स।